दैनिक सवेरा टीवी आप देख रहे हैं, मैं हिमांशु, और बात करते हैं दुनिया के विश्व के दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की, जो वाइट बॉल क्रिकेट काफ़ी टाइम से नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने 2023 का जो विश्व कप था 50 ओवरों का, उससे पहले रिटायरमेंट ले ली थी और 2023 के विश्व कप के लिए उन्होंने रिटायरमेंट वापस। हुण किसी भी तरह की दवाई या टेस्टां लई प्राइवेट हस्पतालां दे चक्कर नहीं लगाने पैंदे ते खर्चे दा डर भी नहीं सतांदा, सगों मोहल्लियां च खुले आम आदमी क्लिनिक मुफ्त च सेवावां प्रदान कर रहे ने। ए सब मुमकिन हो पाया मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दियां कोशिशां सदका, जिन्हां दा सुपना पंजाब दे लोकां नूं मुफ्त च म्यारी सेहत सेवावां प्रदान करना है। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 842 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 38 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਨਮ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹਰ ਥਾਂ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ 500,000 ਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਕੀ ਦਾ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली थी इंग्लैंड टीम के लिए, बट वो रिटायरमेंट वापसी जब उनकी हुई थी वो कुछ अच्छी साबित नहीं हुई। इंग्लैंड की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब गई थी 2023 के 50 ओवरों के विश्व कप में। वो T20 फॉर्मेट से भी दूरी बनाए रखे हैं और सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट खेल रहे हैं इंग्लैंड की तरफ से, उनके कप्तान हैं टेस्ट टीम के। और अब खबर आ रही है कि शायद बेन स्टोक्स एक बार फिर वाइट बॉल क्रिकेट में वापसी करें। ये बेन स्टोक्स ने खुद कहा है कि अगर टीम के जो मुख्य कोच हैं ब्रेंडन मैकुलम, अगर वो चाहें कि बेन स्टोक्स वनडे टीम में वापसी करें तो वो इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। हालांकि अब सबसे बड़ा टूर्नामेंट ODI फॉर्मेट का चैंपियंस ट्रॉफी है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी, जो फरवरी के महीने में अगले साल खेली जाएगी। और ऐसे में जो इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स अगर टीम में वापसी करते हैं तो क्या उनकी वापसी एक बार फिर फेल साबित होगी जो ODI वर्ल्ड कप में हुई थी, या इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे? अगर वापसी करते हैं तो बेन स्टोक्स के आने से इंग्लैंड की टीम और मजबूत होगी। उनके जाने के बाद ODI फॉर्मेट में और T20 फॉर्मेट में इंग्लैंड कहीं ना कहीं एक ऐसे ऑलराउंडर को, बेन स्टोक्स जैसे ऑलराउंडर को मिस कर रहा है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि बेन स्टोक्स वाइट बॉल क्रिकेट में कब वापसी करते हैं और वापसी करने के बाद क्या ICC चैंपियंस ट्रॉफी उनका मेन मुख्य टारगेट होगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी, मैं हिमांशु, धन्यवाद।